जनपद रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार में 2 सितंबर को ज्वेलर्स की दुकान से सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित की थी। जांच के बाद मामले में पुलिस ने कलियर हरिद्वार से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने वाहन को भी बरामद कर लिया है, जिसे सीज कर दिया गया है। जनपद पुलिस के स्तर से गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों को न्यायालय के समक्ष में पेश किया जाएगा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। दो सितंबर 2023 का एक कोतवाली रुद्रप्रयाग क्षेत्र के अंतर्गत ये मुख्य बाजार में जय बद्री केदार ज्वेलर्स की दुकान में कुछ कीमती सामान चुरा लेने का एक हमारे पास शिकायत आई थी। और जो शिकायतकर्ता थे पारस वर्मा जी, जिनकी ये दुकान के मालिक हैं, इन्होंने 3 तारीख को एक तहरीर दी थी जिसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इनके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोग हमारे दुकान में आए थे और सामान चोरी करके, हमारे जो कीमती सामान थे वो चोरी करके ले गए हैं। इस पे थाना, इसमें कोतवाली रुद्रप्रयाग में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें जो हमने जो तफ्तीश की है और जो हमारे CCTV फुटेज के आधार पर जहाँ जहाँ हमें ये उसके क्ल्यू मिलते गए, हम अपराधियों के पीछे जहाँ जहाँ हमें इनके फुटेज मिले उसके आधार पे हमारे विवेचक द्वारा या हमारी जो टीम हमने गठित की थी उसके आधार पे हमने आज जो ये मुख्य अभियुक्त हैं इन दोनों को आज सुबह जनपद हरिद्वार के कलियर क्षेत्र में हमने इनको गिरफ्तार किया गया है। और इन्होंने जो भी चोरी की थी, इनके पास लगभग जो हमारा जो शिकायतकर्ता के आधार पे जितना सामान था वो पूरा का पूरा बरामद कर दिया गया है। और इनके द्वारा जो चोरी के दौरान जो वाहन प्रयोग में लाया गया है उसको भी हमने इनको आज बरामद कर लिया है। तो वाहन सहित और जो चोरी का माल था वो भी हमने इसको जितना भी था, जितना इन्होंने चोरी की थी वो सारा का सारा हमने बरामद कर लिया गया है।